पापा सही सही बोल देता हूँ, क्रिसमस आने वाले हैं। बेटा बाकी बात, और भी 36 त्योहार आने वाले हैं, बताएं का? लेकिन क्रिसमस नाम की चीज हमें मनानी है ना, तो मनाने दो ना। ब्रिगंज अंकल, राधे राधे बोल रहे हैं आपको। पता नहीं इस बार क्रिसमस कैसे मनाएगा हम। कहे त्योहार के दिन अकेले कह रहे हो? तो हमको ये भी नहीं पता इस उम्र में हमारा टिकट कब कट जाएगा। अरे अंकल, टिकट सीधे आप कानपुर कटाओ और इतने आए के हमारे परिवार के साथ मनाइयो त्योहार अपनो क्रिसमस। तुम्हें पता है ब्रिगंजा अंकल को है? बहुत ही रईस आदमी है, अरे करोड़पति है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कारखाने सब है उनके। हमने सोचो कि नेको ने क्रिसमस में बुलाए लिए तो उन्हें अच्छो लगे है, थोड़ी सेवा कर दी है तो 2-4 करोड़ रुपए हाथ में रख दिए। अरे दादा, हम जो कह रहे हमने तय कर लिए कि अंकल जो बगरंगा आ रही उनके साथ में फुल फैमिली मिक्स हो गए बढ़िया से क्रिसमस मनाएगी। समझ नहीं आ रही कि आप दोनों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। मतलब अरे वो हमारे ना ब्रिगंजा अंकल है ना पड़ोसी, तो वो आए रहे हैं तो हमने सोचा कि उनको क्रिसमस बहुत ही धूमधाम से मनाए दें। कहे बेटा तुम्हारे भी थोड़ी बीच बीच में ऐसी माहौल मतलब तैयारी शुरू कर दे। आपको तो पता ही है घर में नोनो टैया के लिए रेल बनी पड़ी है तो का खर्चा बहुत है, दिक्कतें ज्यादा है। इसके पास इतना स्वीट मम्मी होता उसे टेंशन किस बात की, नो प्रॉब्लम है ना। ना आप बिल्कुल सही कह रही, लेकिन अम्मा जो नमाई है ना बेबी कम नहीं है, बहुत बड़ी वाली है, खर्चा बहुत कराती है पेल पेल के। व्हाट अ ब्यूटी। देखो अम्मा से जब बातें करते हो ना बीच बीच में कैट 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 बिल्कुल कौआ की याद आ गई। तुम्हारे अंकल बिल्कुल अम्मा के प्यार में कौआ हो जा रहे। चक्कर ना हो सुनो, तुम्हारी जो परेशानी को हल हमारे पास है। का? हम बात करें का? का बात करोगी? अम्मा और ब्रिगेंजा अंकल को पागल हो ऐसे कैट। एक बात बोलूं? जब से मेरी वाइफ गई है ना उसके बाद पहली बार हमने किसी को पसंद किया है।